कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से हम इसका कर लेंगे काम। और मैं समझती हूँ कांग्रेस एक मुखी होकर के काम करे, इसी के कारण आप भी महसूस करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जाते हैं और वो हर जगह होते हैं। और मैं मेरा हमारा ये मानना है, हम सार्वजनिक जीवन में बहुत समय से हैं, कि सब चीज़ों का समाधान संवाद से हो जाता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका भी समाधान निकले। मैडम, आप पत्रकार कानून एक ज्ञापन बहुत बार दिए हैं, आप प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस की, पत्रकारों उभर भी होती हैं, बहुत बार आपकी बातचीत होती है, अच्छी तरह से पत्रकारों को किस परिस्थिति में काम करना पड़ रहा है, उनके लिए जो पत्रकार कानून है वो कांग्रेस सरकार ने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सिर्फ राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पत्रकारों की बहबूदी के लिए, उनकी खुशहाली के बहुत सी योजनाएं बनी, सिर्फ इसी राज्य में नहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में भी बनी, आप इसको मानेंगे। इसके अलावा पत्रकारों के लिए जो रहवास की योजना, उसके प्रति भी सरकार बहुत संवेदनशील है। 2 दिवस पूर्व ही राजधानी में पत्रकार मुख्यमंत्री जी ने इसमें मुस्तैदी लाने के लिए कहा। अतिस्वीकृत पत्रकारों की पेंशन की बात हो, हेल्थ स्कीम की बात हो, इन सबको लेकर के बहुत ही नवाचार और सकारात्मक काम किए गए। यदि कोई छोटी मोटी त्रुटि है या कोई कमी रह गई तो आप हमें देंगे ज्ञापन, तो मैं मुख्यमंत्री जी तक उसको पहुँचा करके उसके निवारण। बजट घोषणा में पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की गई थी, हमारी सरकार आते पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएंगे। सवाल ये था, पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई या बिल नहीं ला पाई, कारण? आगामी समय में उम्मीद है कि ऐसा भी होगा। एक मेरे 2.5 साल से ज्यादा हो गया संगठन नहीं है कांग्रेस का, इसका नुकसान ये हो रहा है कि अभी भादरा में जयदीप डूडी जी थे, आपके संसदीय सचिव भी रहे, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जो एक्टिव रहते हैं उनकी कोई पूछ नहीं है, ना कोई संभालने वाला है, और तो 2.5 साल से तो अब बिल्कुल निष्क्रिय है, तो इसका कब कोई गठन होगा क्या? देखिए, संगठन को लेकर के भी तैयारी पूरी है और मुझे लगता है शीघ्र ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। आप मानते हैं कि नुकसान तो हो रहा है, बेसंगठन नहीं होना, पार्टी कमजोर हो रही है, पर जो भी संबंध विच्छेद करता है, चाहे वो राजनीति में करे, चाहे घर में करे, समाज में करे, तो कोई ना कोई कारण वो अपना बताता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में संगठन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की निष्ठा पार्टी के प्रति है, और ऐसे में चाहे कोई भी कमी हो या कोई देरी हो रही हो किसी भी कारण से, यदि उसकी निष्ठा है, उसका समर्पण है, तो उसके लिए कोई भी कारण ऐसा नहीं होता जिसके कारण वो संबंध विच्छेद करे, पार्टी को छोड़कर जाए। जाने वाला अपना कारण बताएगा जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छा है, पार्टी एकमुखी है और सब एक ही उद्देश्य के साथ काम करें कि सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले। और ऐसी बेहतरीन योजनाएं किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है, तो मैं समझती हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को समझता है, और हम लोग जिस प्रकार से काम करें उसका सख्त परिणाम ये होगा कि अगली बार फिर हम शासन में आएंगे जनता के आशीर्वाद। मैडम, CM साहब ने गद्दार शब्द यूज किया, इसको आप सही मानते हैं? देखिए, मैं इन चीज़ों पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है, और हमको इस बात का संतोष है कि सरकार की योजनाओं के प्रति जनता में भी एक विश्वास पैदा होगा। देखिए, यदि कोई त्रुटि होती है तो स्क्रूटनी होती है और जो पात्र होगा उसको मिलेगी। इसके अलावा जब कोई सरकारी स्कीम होती है तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे भी इसका लाभ मिले, लेकिन सरकार उसके मापदंड तय करती है और मापदंड के अनुसार जो पात्र व्यक्ति होता है उसको, उसका जो हकदार होगा, उसे निश्चित रूप से उससे लाभ मिले। मैडम, BJP ने कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा शुरू करी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, BJP की जो हालत है, मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले इनके राष्ट्र गृह मंत्री आए थे और वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये कह रहे थे कि आप लोगों ने 3-3.5 साल में कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। इसका सीधा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा विहीन होते हैं तो चुनावी वर्ष में तो कहते हैं नॉन इश्यू को भी क्रिएट करके इशू क्रिएट करने का काम किया जाता है, तो अब किस बात का जन आक्रोश है समझ से परे है। खुद मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्दे के पीछे इस चीज़ की स्वीकारोक्ति है उनके अंदर कि सरकार की योजनाएं बेहतरीन है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के उनके खुद के अच्छे उद्गार व्यक्त होते हैं, तो अब ये तो राजनीति है, राजनीति में विपक्ष का जो धर्म है वो निभाएंगे, लेकिन जनता में कोई आक्रोश दिखाई नहीं देता। मास जोड़ो यात्रा जो चल रही है, राजस्थान को इसका कितना फायदा मानते हैं, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, सिर्फ राजस्थान के परिदृश्य में हम बात नहीं कर सकते, इसकी राजस्थान में तो मिलेगा ही निश्चित रूप से इसका फायदा, लेकिन संपूर्ण देश में इसका फायदा मिलेगा। उसका कारण ये है कि जब लोकतंत्र अधिनायकवादी हो जाए और लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी हावी होने लगे, जनता ये महसूस भी करती है। ऐसे में जनता की उम्मीद होती है कि विपक्ष की ओर से कुछ ऐसे मुहिम हो या कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिससे एक संदेश जाए कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना जरूरी है, देश की एकता खंडता के लिए, देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का आप जो संदेश देख रहे हैं, आपने देखा होगा जनसमूह स्वस्फूर्त होकर के उमड़ता है,
और राहुल गांधी जी जब राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी जाएंगे तो वहाँ भी फायदा मिलेगा। देश की जनता को आज आवश्यकता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाली आवाज़ मुखर हो। राहुल गांधी जी इसी आवाज़ को मुखरता देने का काम करें, देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, देश के संविधान के संरक्षण के लिए काम करें और आम जनता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं।